तो दोस्तों, ये है पुराने ज़माने के वडनगर रेलवे स्टेशन के अंदर मोदी जी के चाय का स्टॉल, और आगे आपको दिखाते हैं रीडेवलपमेंट के बाद मोदी जी के चाय का स्टॉल और स्टेशन कैसा दिखता है। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे और दिखाते हैं आपको नए ज़माने का स्टेशन और नया स्टॉल। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज हम लोग हैं वडनगर रेलवे स्टेशन पे, और पीछे हमारी खड़ी है ट्रेन, आप लोग देख सकते हैं। और यह है वडनगर स्टेशन, और पीछे हमारा है मोदी जी का चाय वाला स्टॉल, जहाँ पे मोदी जी चाय बेचा करते। तो आइए चलते हैं स्टॉल के पास और आपको दिखा देते हैं कैसा है स्टॉल, क्या है इसकी कहानी। और दोस्तों, इस समय हम लोग हैं वडनगर रेलवे स्टेशन के बाहर, और पीछे हमारे आप ये बड़ा सा बरगद का पेड़ देख रहे हैं, जिसको गुजराती में वड कहा जाता है। इसी के नाम पर से इसको, इसी स्टेशन का नाम हुआ वडनगर रेलवे स्टेशन का। और काफ़ी बड़ा ये पेड़ है, और इसी के नाम पर से इसको वडनगर रेलवे स्टेशन हुआ। और ये देख लीजिए दोस्तों, बाहर से वडनगर रेलवे स्टेशन का नज़ारा, इसको काफ़ी सुंदर और आकर्षक बना दिया गया है रीडेवलपमेंट के बाद। पहले एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन रीडेवलप करके इसको काफ़ी सुंदर बना दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग शानदार नज़ारा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, वडनगर रेलवे स्टेशन का नज़ारा, और इसको अभी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। पहले एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, और अभी इसको काफ़ी बढ़िया बना दिया गया है। और यही है मोदी जी का वो चाय का स्टॉल, जहाँ पे मोदी जी सालों पहले चाय बेचा करते थे।